हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और मैं आपके साथ मॉडर्न वांगशन आई लव हिम का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं गाइस कि ज़्यादा एज डिफरेंस है। मैं ये कहती हूँ कि मैंने बहुत सारी 17-14 साल की लड़कियों को देखा है जिनका शाहजान पे क्रश है जो कि 30 साल का है। तो सोचो, जो 14 साल की उनके बीच भी 16 साल का डिफरेंस है, तो आपका आपके आइडल पे क्रश होना इट्स नॉर्मल। कई लोगों का वी पे BTS के वी पे क्रश है जो कि 30 ईयर ओल्ड है और वो लड़कियां अभी स्कूल गोइंग है, उनका क्रश है। मेरा एक टाइम पे शाहरुख खान पे क्रश हुआ करता था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब मैं बहुत छोटी थी और मेरा 12th स्टैंडर्ड तक उस पर क्रश रहा, जब तक मुझे ये नहीं पता था वो एक्चुअल में शादीशुदा है। मुझे लगता था शायद वो सिंगल है, तो क्योंकि इतना सोशल मीडिया होता नहीं था तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। तो गाइस, वो मेरे डैड की उम्र के हैं, तो स्वाभाविक होता है आप अपने टीवी एक्टर या किसी सिंगर या किसी चीज़ पे आप बेहिसाब आपको क्रश हो जाता है। लोगों को अमिताभ बच्चन पे है जो कि उनसे 30-30 साल छोटी लेडीज़ भी हैं, उनको पसंद है तो पसंद है, आइडल है तो आइडल है। मेरी दादी को देवानंद पे बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें, तो इट्स नॉर्मल, क्वाइट नॉर्मल। तो इतना ज़्यादा आपको क्यॉस मचाने की ज़रूरत नहीं है, आप चल कीजिए। और स्टोरी है, स्टोरी लाइन को एंजॉय कीजिए, ये एक स्टोरी है, आप उसे स्टोरी समझ के भूल जाइए, दिमाग में रखिए, सुनिए, एंजॉय कीजिए, भूल जाइए। और चलिए हम शुरू करते हैं। जो विंग होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चुलबुला होता है। विंग को अपने फादर विभूषण का टैलेंट ये लगा लीजिए गिफ्ट में मिला हुआ था, क्योंकि विभूषण काफ़ी अच्छा सिंगर था, बट उसे फेम नहीं मिल पाया था और वो बहुत छोटी उम्र में मर जाता है विंग को बर्थ देने के बाद। तो उसके बाद जो विभूषण होता है ना, उसका ये टैलेंट उसके बेटे में भी आ गया था, विंग में भी। वो भी एक बहुत अच्छा गाना गाया करता था और पियानिस्ट था, विभूषण भी एक पियानिस्ट था, लेकिन उसे वो फेम नहीं मिल पाया था क्योंकि वो जियांग सेक्ट में जियांग्स के अंडर काम करता था। फिर उसके बाद उसने अपने बच्चे के लिए, लालन पोषण के लिए, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, लेकिन हैवी ब्लीडिंग होने के बाद और तबीयत ना ठीक रहने की वजह से वो बहुत जल्दी गुजर जाता है। विंग अब से जब भी टीवी चलाता था उसे लोवांगची यानी कि उसके आइडल को देखना काफ़ी पसंद होता था, और वो हमेशा निहर सिंह से कहता था कि आसिंग अंकल, जुई जुई मुझे जो है बहुत पसंद है ये वाले लोवांगची, मुझे अजी बहुत ज़्यादा पसंद है। गाइज, लोवांगची मतलब वांग प्लस जी, जी से हमने अजी बनाया, जैसे वु जियान का जियान निकाल के एशियन बोलते थे, ऐसे ही अयिंग बोलते थे विंग में से यिंग निकाल के, ऐसे ही लवांग जी में से जी निकाल के अजी। आई होप आपको समझ आ गया हो। चलिए हम शुरू करते हैं। विंग कहता है अयिंग को अजी बहुत पसंद है, हम मुझे अजी के साथ काम करना है। तब निहा सिंह हंसता है और कहता है अजी स्टेट्स में रहता है, यूनाइटेड स्टेट्स में, और वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है, पहले अयिंग को पढ़ना होगा और उसके बाद अयिंग को काम के लिए आगे जाना होगा। अयिंग जो है वो बचपन से ही वांग जी को देखता था, जो वांग जी काफ़ी ज़्यादा अपने वर्क में, अपने वर्क प्लेस में बिजी हो जाता है। लवांग जी जो है वो अपनी लाइफ में किसी को डेट करता है, बट वो सिर्फ एक बार उस बंदे के साथ डेट पे जाता है और उसे कभी वो कंपनी इंजॉयबल लगती ही नहीं जो उसे लगनी चाहिए थी। वांगजी ऐसे करके लाइफ में काफ़ी लोगों को डेट करता है, ब्लाइंड डेट्स होती हैं, बट उसे सामने वाला कभी पसंद नहीं आता तो वो उसके साथ फर्दर कंटिन्यू नहीं करता। इतनी बड़ी एज के हो जाने के बावजूद भी वांगजी को कभी भी अपना सोलमेट किसी में भी नहीं मिल पा रहा था। मतलब उसके जहन में एक इमेज बनी हुई थी कि उसका सोलमेट ना बिल्कुल विभूषण जैसा जॉली होना चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए, बातें उसकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि दिल लग जाए, क्योंकि वांगजी ऑलरेडी एक क्वाइट पर्सन था और उसे सेल्फिश बंदे तो बिल्कुल पसंद नहीं थे। और उनकी इंडस्ट्री में काफ़ी लोग बहुत सेल्फिश होते थे जो वांगजी के पैसे के लिए उसके साथ आना चाहते थे, इसलिए वांगजी कभी किसी को प्रॉपर डेट कर ही नहीं पाया। वो डेट पर ज़रूर गया बट डेट नहीं कर पाया। यहाँ पर अयिंग जो होता है वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है। जब वो 16 साल का होता है वो बहुत ब्रिलियंट था, उसने अपनी 12th कंप्लीट कर ली होती है और वो काफ़ी सारे शोज़ में, लोकल शोज़ में जाने के लिए उसे मौका मिलता है। तब उसे एक बार पता चलता है कि उसकी जगह युनमग, मतलब वो चिंगे में रहता था लेकिन युनमग में एक बार परफॉर्म करने के लिए वांगची आ रहा होता है और एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट जो है वहाँ पर आता है। तब वहाँ पे बैक साइड में, बैकग्राउंड में जो पियानिस्ट होता है उसकी ज़रूरत होती है, तब उस पियानिस्ट की जगह वो अपने लिए एक फॉर्म फिल कर देता है और ऑडिशन देने जाता है। जब वो ऑडिशन देने जाता है तो काफ़ी प्रोड्यूसर वगैरह उसका ऑडिशन लेते हैं और उसके पियानो सुन के सबको लगता है कि वो काफ़ी अच्छा पियानिस्ट बन सकता है, तो वो वांगची की टीम के लिए उसे ले लेते हैं। वांगची जो है वो अपने कंसर्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और उसे लग रहा था शायद विभूषण को भी इसकी खबर मिल जाए और वो उसे मिलने आ जाए। उससे पहले निहा सिंह जो होता है ना, वो एक दिन पोस्ट डालता है और बेबी
बेबी अयंग के साथ पोस्ट डालता है और कहता है रिजेम्बलेंस ऑफ हिज फादर, और वो बेबी अयंग की फ़ोटो लगाता है। तो लवांगची को अभी तक नहीं पता था कि विंग बड़े होकर टीनेज होकर कैसा दिखता है। विंग जो है इस वक्त विंग जो है वो 16 साल का हो गया होता है, पियानिस्ट होता है, वो अपनी क्लासेस ले रहा होता है, और वांगची जो है ना वो विंग से 16 साल बड़ा था, यानी कि वांगची जो है ना वो इस वक्त 32 साल का हो चुका होता है और काफ़ी कूल दिख रहा होता है। वो वहाँ पर आता है, ये 16 साल का जो पियानिस्ट होता है ये पियानो के लिए आता है, वहाँ पर वो खड़ा होता है। वांगची ने और विंग ने एक दूसरे को अभी तक नहीं देखा होता। विंग बहुत एक्साइटेड होता है लेकिन उसे वांगजी से मिलने का मौका नहीं मिलता। वो एक साथ एक स्टेज पे परफॉर्म करते हैं जहाँ पे विंग जो है वो बैकग्राउंड में एक पियानिस्ट होता है, पियानो बजाता है, और वो सब बहुत दिल था कि वो वांगजी से मिले, वांगजी को हेलो बोलने जाए, लेकिन उसे टाइम ही नहीं मिल पाता। वांगजी की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी थी, और उसके बाद वांगजी के जो इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, वो वांगजी को कॉन्सर्ट के बाद उसके जितने भी बॉडीगार्ड्स होते हैं वो उसे ले जाते हैं, और वांगजी जो है वो सबसे पूछता है कि क्या किसी विभूषण के नाम के बंदे ने यहाँ एंट्री ली है। लेकिन वहाँ पर किसी विभूषण नाम के बंदे ने कोई एंट्री नहीं ली होती और ना ही वांगजी से मिलने की रिक्वेस्ट की होती, तो इसलिए ये बात सुनने के बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि वहाँ पर उसका कोई इंतज़ार कर रहा था, और वो उसके बहुत सारे फैंस भी थे, उनमें से एक विंग भी था। विंग अपने पियानो की परफॉर्मेंस देने के बाद वांगजी के बाद एक और परफॉर्मेंस होती है ग्रुप की, जिसमें भी जो हमारा विंग होता है उसे पियानो बजाना होता है। विंग जो है अपना पियानो बजाता है और अपनी परफॉर्मेंस देता है। वांगजी बैकग्राउंड में वहाँ पर नीचे जाता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेता है, पीता है और अपनी फ्लाइट के लिए निकल पड़ता है। बेचारा विंग वांगजी के इतने करीब से उसे देखने के बाद भी वो वांगजी को नहीं मिल पाता, वो वांगजी से इंट्रैक्शन नहीं कर पाता, और विंग को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है, और उसने सोच लिया होता है कि वो अब US जाएगा और वांगजी से वांगजी की टीम में काम करेगा, वो वांगजी से US में मिलेगा एज अ टीम मेंबर, और वो अब अप्लाई करता है US के लिए एज अ पियानिस्ट। वो किसी भी सिंगर ग्रुप में पियानिस्ट बनना चाहता था। वो जैसे तैसे करके अपने आइडल जिसे वो बचपन से परस्यू करना चाहता था, उसके पीछे जाना चाहता था, उसे जानना चाहता था वो कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता। वो अब पूरी कोशिश कर रहा था कि वो वांगची के बिल्कुल लायक बन जाए। बीइंग प्रोफेशन यहाँ पर एक टीम ज्वाइन करता है। उसके बाद उसके बैंड को जब सेलेक्ट किया जाता है तो बीइंग एज अ पियानिस्ट आगे के लिए सेलेक्ट हो जाता है। जैसे तैसे विंग को बहुत टाइम लगता है, लेकिन पूरे 4 साल की मेहनत के बाद जब विंग 20 साल का हो जाता है तब विंग वांगजी के ग्रुप में आता है और US में जाता है वांगजी के पूरी टीम को ज्वाइन करने के लिए। आज विंग पहली बार उस स्टूडियो में आता है जो कि लेंस का स्टूडियो होता है, और वहाँ पर वो काफ़ी नर्वस होता है। आज यहाँ पर वांगजी नहीं था लेकिन विंग वहाँ आता है। वो लोग रिहर्सल करते हैं आगे आने वाले गाने की और प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद वहाँ पर वांगजी आता है अपनी परफॉर्मेंस अपनी रिहर्सल के लिए। तब वांगजी जो है वो वहाँ पर आता है, परफॉर्म करता है, उसके बाद एक जगह जाके बैठ जाता है। विंग एक चुपके से एक जगह बैठा होता है। वांगजी उसे नोटिस भी नहीं करता जब वो पियानो वगैरह बजाता है और उसके बाद परफॉर्मेंस देता है। वो बाद में थोड़ी देर बाद एक फ्लावर लेके वांगजी के पास जाता है, एक पूरा बुके होता है फ्लावर्स का, और वो वांगजी को देता है और कहता है सर आई एम योर बिग फैन। और जैसे ही वांगजी उधर देखता है कि उसे ये फ्लावर कौन दे रहा है, तो वांगजी बिना देखे ही पहले थैंक यू बोल देता है, और विंग कहता है मैं आपसे मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूँ, चिंगे के नी सेक्ट जो कि योनमक के पास है। जैसे ही ये वॉइस थोड़ी सी फैमिलियर लगती है वांगजी को, वो ऊपर नज़र उठाता है और वो देखता है कि उसके सामने कोई यंग बंदा नहीं बल्कि एक टीनेज वर्जन है विभूषण का जो उसे फ्लावर गिफ्ट कर रहा है। तभी वो भौचक्का रह जाता है और एकदम से बोलता है विभूषण, लेकिन उसकी वॉइस सिर्फ उसके मुंह में रह जाती है और कहता है वांगजी होश में आते ही बोलता है तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि वो विंग को देखते ही मंदमुग्ध हो जाता है। और विंग कहता है मेरा नाम अयिंग है। तो वो कहता है अयिंग, विभूषण कहता है मेरा नाम अयिंग है, आप मुझे अयिंग बुला सकते हैं। वो अपना पूरा नाम विंग नहीं बताता क्योंकि बहुत बार नीहू सिंह मना करता था उसे उसका पूरा नाम बताने से, ताकि लोग उसके डैड को पहचान जाएं और समझ जाएं कि उसके डैड कौन है। इसलिए अयिंग अपना रियल नेम नहीं बताया करता था दुनिया को। तभी वांगजी कहता है तुम्हारा सरनेम क्या है। विंग कहता है मैं अपने फादर का सरनेम नहीं लगाता, मुझे अयिंग पसंद है, आप मुझे अयिंग बुलाएंगे। तभी वांगजी कहता है तुम कहाँ से आए हो। तब वो बोलता है मैं चिंगे से आया हूँ। वांगजी को ये लड़का बिल्कुल विभूषण जैसा लगता है, इसकी स्माइल, इसका लुक, बस ये अब टीनेज था और वांगजी जिससे मिला था
तब वांगची टीनेज था और वो इंसान बड़ा था, आज ये जब मिला है तब वांगची बड़ा है और ये लड़का टीनेज है। वांगजी पूछते हैं तुम्हारी उम्र क्या है, तो वो बोलता है मेरी उम्र 20 साल है। वांगजी कहते हैं अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तो मेरे लिए फ्लावर क्यों लेके आए हो। वो कहता है आप मेरे आइडल हैं, मैं बचपन से आपको देखता आया हूँ और काफ़ी पसंद भी करता आया हूँ। तो गाइस एक बैकग्राउंड में स्टोरी चलती है कि वांगची को आज से लगभग जब विंग 15 साल का होता है ना, आई मीन 13-15 साल का होता है, तब वांगजी को पता चलता है कि विभीषण इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो नीहू सिंह से कांटेक्ट करता है और नीहू सिंह को कहता है अगर तुम विंग के बेबी को जानते हो, अगर तुम्हारे कांटेक्ट में है, तो मैं कुछ पैसे देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी पढ़ाई और उसकी जो चीज़ें हैं ना वो कभी रुके ना। वांगजी ने कभी भी विंग के बच्चे को नहीं देख विभीषण के बेटे को नहीं देखा था, और विभीषण के जो क्या बात हो गई क्या नहीं हुई उसने नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि विभीषण जो है उसे ये पता था विभीषण इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसने जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट नीहू सिंह को भेजा होता है ताकि वो विभीषण के बेटे भी इनकी काफ़ी अच्छे से ख्याल रख सकें और परवरिश में कोई भी कमी ना रहे। वांगजी जो था वो कहीं ना कहीं ऋणी था विभूषण का, क्योंकि विभूषण ने उसकी लाइफ को एक नया रुख दिया था और वो बहुत ही ज़्यादा आभारी था। इसलिए वो विंग के लिए सारे पैसे भेजता है, लेकिन उसे नाम भी याद नहीं होता विभूषण के बेटे का नाम क्या है। तो वो जब अयंग से मिलता है तो वो नहीं पहचान पाता कि ये विभूषण का बेटा है, बस उसे विभूषण की थोड़ी सी रिजेम्बलेंस याद होती है, और क्योंकि वांगची को भी विभूषण से मिले काफ़ी टाइम निकल चुका था और उसके सामने एक नया विंग था, तो उसे समझ नहीं आता वो क्या बोले, और वो ज़्यादा भी बोलता नहीं था तो वो उसे समझ नहीं आता वो कैसे कन्वर्सेट करे। और गाइस इस तरह से वो उसका गार्जियन हाफ गार्जियन बन जाता है, क्योंकि उसने विंग की पढ़ाई के लिए पैसा दिया होता है, लेकिन विंग को कभी पाला नहीं होता, देखा नहीं होता, कभी मिलने नहीं आया होता। विंग नीहू सिंह के ब्रदर वगैरह सब रहते थे, नीहू सिंह ने भी शादी कर ली थी, उसके भी बच्चे थे। एकदम से अपने दोस्त के बेटे को के ऊपर खर्चा करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वांगजी के पैसों से काफ़ी मदद हो जाती थी। वांगजी काफ़ी बार विंग के बेटे के लिए पैसे भेज दिया करता था ताकि उसकी फर्दर स्टडीज़ में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक कि विभूषण जो यहाँ आया था वो अपनी मेहनत और वांगजी के इनडायरेक्टली की भी मदद की वजह से ही यहाँ तक पहुँचा था, जिसके बारे में ना तो विंग को कुछ पता था और ना ही वांगजी को कुछ पता था। ना ही वांगजी को ये पता है अभी तक कि ये विभूषण का ही बेटा है, ना ही विंग ने उसे कुछ बताया है कि ये आदमी कभी उसके फादर का जो है फैन हुआ करता था। देखो ना किस्मत, आज जो वांगची का फैन विंग है, एक टाइम पे वांगची विभूषण का फैन हुआ करता था क्योंकि वो उसका आइडियल था। तो किस्मत जो है वो हमको कहाँ किससे मिला दे हमें खुद भी नहीं पता होता। यहाँ पर विंग जो होता है ना वो काफ़ी खुश होता है अपने आइडल से मिलने के लिए, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की होती है वांगची से मिलने के लिए। वो वांगची के पास बैठता है और वांगची को जो है ना कैंडी खाने को देता है। वो कैंडी तांगुलू से बनी हुई थी बट स्टिक में नहीं थी, वो जो थी वो नॉर्मल टुकड़े फॉर्म में थी। वांगजी जैसे ही उसे खाता है उसे युनमक का वो टाइम याद आता है जब विंग ने उसे ये तांगुलू खिलाई हो विभूषण ने उसे ये तांगुलू खिलाई होती है। विंग उसे स्माइल करता है और कहता है आपको पता है मेरे बाबा जो थे ना उन्हें ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। तभी वांगजी कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़के। तभी विंग कहता है मैं यहाँ पे पियानिस्ट हूँ, मैं आपकी टीम में काम करने आया हूँ और मुझे एक पियानिस्ट की जॉब मिली है। आज के बाद आप और मैं बहुत जल्दी परफॉर्म किया करेंगे और हम एक ही टीम में हुआ करेंगे। वांगची कहता है दैट्स नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे भी एक कंपनी मिल जाया करेगी। विंग कहता है ऑफकोर्स, वैसे आज आप क्या कर रहे हैं, क्या आप डिनर के लिए बाहर चलेंगे। वांगची कहता है मेरा ऐसा सच कोई प्लान नहीं, श्योर मैं डिनर के लिए तुम्हारे साथ बाहर चलूँगा, वैसे मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है, बट अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे घर आ सकते हो लैन मेंशन, मैं वहाँ पर तुम्हें ज़रूर इनवाइट करूँगा और तुम वहाँ पर मेरे साथ डिनर कर सकते हो। तभी विंग कहता है सच में आप मुझे अपने घर बुला रहे हैं खाने के लिए। लंजा कहता है बिल्कुल। तभी विंग कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरा इतना बड़ा आइडल जिसे मिलने के लिए मैं इतने टाइम से पागल हुए जा रहा था उसने मुझे सीधा डिनर पे बुला लिया। तभी वांगची कहता है तुम मुझसे मिलना चाहते थे कब से। विंग कहता है जब फर्स्ट टाइम याद है मैं 12 साल का था, मैंने आपका एक कॉन्सर्ट देखा था, आपने वो वाला गाना गाया था और वो आपका फर्स्ट फर्स्ट शो था जो कि बहुत ही सुपर डुपर हिट गया था। वांगची कहते हैं उससे पहले मैं प्लेबैक सिंगर हुआ करता था, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर मैंने पहली बार फेमस होने के लिए मैंने गाना गाया और मैं फेमस हो गया। विंग कहता है बिल्कुल वही टाइम वही गाना, तब से मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं आपको परस्यू करना चाहता था, और देखो
आज मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे सच में बहुत प्राउड फील हो रहे हैं कि आप जैसे कूल इंसान के साथ मैं काम कर रहा हूँ। पर आप ये फीके कपड़े क्यों पहनते हैं? आपको थोड़ा फंकी पहनना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि येलो रंग की शर्ट और उसके साथ बड़े बड़े ग्रीन और पिंक रंग के फूल। ये सुनते ही लवंगची के कान खड़े हो गए थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये कोई बहुत बड़ा लवंगची नहीं है। उसे बिल्कुल फील आता है जब वो 16 साल 15 साल का था और भी विश्यान से मिला था, उसने भी कुछ ऐसी ही चीज़ें उसे दिलाई थी। तो वो कहता है, क्या तुम भूत हो? तो विंग कहता है, मैं भूत क्यों होऊंगा? लवंगची कहता है, कुछ नहीं, तुमने मुझे किसी की याद दिला दी, मेरे एक दोस्त की। विंग कहता है, अच्छा अब कहाँ है वो? लवंगची कहता है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। विंग कहता है, ओह सो सैड, कोई बात नहीं, देखो ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब वो आपके दोस्त नहीं है लेकिन मैं आपका दोस्त ज़रूर बनना चाहूँगा। वांगजी कहता है, देखेंगे, वक्त बताएगा। विंग कहता है, वक्त तो बिल्कुल बताएगा, सच में आप कितने कूल हैं और आप कितने हैंडसम हैं। पता है मेरे पूरे रूम में आपके इतने सारे पोस्टर हैं, मैंने एक पूरी दीवार आपके पोस्टर से भरी हुई थी, मुझे आप जैसा बनना था। तब वांगजी कहता है, तुम पियानिस्ट के अलावा क्या काम करते हो? विंग कहता है, मैं गाना भी गाता हूँ, अगर आप मुझे आज परमिशन दे मैं गिटार भी बजा लेता हूँ, मैं आपको गिटार पे एक गाना सुनाऊँगा डिनर के टाइम पे। वांगजी कहता है, श्योर कोई दिक्कत नहीं। विंग कहता है, ऑफ कोर्स बाय, मैं अभी काम कर लूँ वरना मुझसे डांट पड़ेगी और मेरी पे भी कट जाएगी। वांगजी कहता है, श्योर अब तुम जाओ। और वांगजी जो है उसे एक कार्ड देता है और कहता है, जब तुम मेरे घर आओ तो इसे साथ में लेके आना ताकि तुम्हें एंट्रेंस मिल जाए। और वो उस पर साइन करके और नीचे एक टाइम मेंशन कर देता है खाने के लिए और कहता है, लेट मत होना। विंग कहता है, ऑफ कोर्स कोई बात नहीं, मैं लेट नहीं होऊंगा। और बाय करके नोट करके वहाँ से चला जाता है। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा, अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वांगशन मॉडर्न फैंस के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।